हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में देखेंगे कि जो ट्रेनिंग में कितना सैलरी मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलता है ना फ्रेंड्स। आप लोगों का सीबीटी फर्स्ट का जो रिवाइज रिज़ल्ट आने वाला है और जो लोग का रिज़ल्ट पॉजिटिव था, क्लियर था, उन लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं। वो लोग सीबीटी सेकंड की प्रिपरेशन रखें, उस कुछ लोगों को और सिलेक्ट कर सकता है रेलवे। तो आप जानते हैं जैसे ही 2019 में आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपको ट्रेनिंग में फर्स्ट डे से ही आपकी सैलरी बनना शुरू हो जाती है। तो जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे जो सैलरी है वो अराउंड आप लोगों का 22,000 बन जाता है, ठीक फ्रेंड्स। और जब आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जब आप लोग की ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपको आपका जोन मिल जाए, जोन तो आपने भर लिया, आपका जो पोस्टिंग एरिया आ जाएगा जहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी, वहाँ पे आपकी जो पेमेंट रहेगी अराउंड 30,000 तक बन जाएगी। आप जानते हैं कि इनको अलाउंस मिलते हैं काफ़ी, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया है ना, तो ओवरऑल इनकी पेमेंट फ्लक्चुएट करता रहता है हर मंथली, कितना आपने मंथ में काम किया, कितना ओवर टाइम किया, तो उसके हिसाब से 35-40 तक फ्लक्चुएट होती रहती है। जब इसका प्रमोशन होता है एएलपी से, जब लोको पायलट देन फिर सेंटर, तो सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है ना। तो मेन तो इनका जो माइलेज रहता है, जो इनका ओवर टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी आपने सुना होगा कहीं कि 40-45-50-60 तक है ना, इवन पहुँच जाती है। और टेक्नीशियन की सैलरी देख लेते हैं। टेक्नीशियन का सैलरी भी जो रहता है, टेक्नीशियन आप जानते हैं कई प्रकार के रहते हैं, है ना। टेक्नीशियन के काफ़ी डिफरेंट वर्क्स रहते हैं, तो उनकी सैलरी भी बाद में जॉइनिंग के बाद अलग अलग रहता है। जो इनका ट्रेनिंग के ड्यूरेशन तो वही 21-22,000 तक इनको मिल जाता है मंथली, बट जो ट्रेनिंग के बाद है वो 29,000 कुछ टेक्नीशियन जैसा उनका वर्क है, 30,000-31,000 उनकी सैलरी अराउंड रहता है, ठीक फ्रेंड्स। कुछ टेक्नीशियनों की सैलरी रहती है इनके एएलपी के जो लोको पायलट रहते हैं इनके बराबर रहती है, जिनका वर्क थोड़ा ज़्यादा उस टाइप का रहता है ना, एसी अटेंडेंट लोग, एसी वगैरह में जो रहते हैं, जो एकदम से एसी, आपने देखे होंगे ट्रेन में एसी जो कंपार्टमेंट रहता है उसमें प्रॉब्लम आया था, जो टेक्नीशियन उसको फिक्स करता है, ठीक करता है, तो उनकी जो सैलरी काफ़ी अच्छी बनती है। तो टेक्नीशियन में भी काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट्स बन जाती है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप फर्दर किसी की तैयारी करना चाहते हैं, आप मतलब जॉइनिंग लेने के बाद कोई पीसीएस की तैयारी करेगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा, तो उसके लिए बेटर टेक्नीशियन ही है, क्योंकि टेक्नीशियन में आपको टाइम मिल जाएगा आपके पढ़ाई के लिए। बट एएलपी में थोड़ा मुश्किल रहता है, आप जानते हैं कि इनकी ड्यूटी नाइट में रहती है कभी भी, है ना, तो आ जाता है इनका ट्रेन लेके जाना है वगैरह, तो उनको उतना टाइम मिल नहीं पाता पढ़ाई के लिए। अगर आप स्विच करना चाहेंगे किसी डिफरेंट जॉब के लिए, तो आपको डेफिनेटली टेक्नीशियन लेना चाहिए, देन आपको फर्दर आपकी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एएलपी में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स, है ना। और जो कैंडिडेट्स अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आप जानते हैं इनका माइलेज ज़्यादा बन जाता है, तो लोको पायलट की सैलरी कंपेटिवली टेक्नीशियन ज़्यादा रहती है, तो फिर एएलपी को सिलेक्ट कर सकता है ना फ्रेंड्स। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीटी फर्स्ट रिवाइज रिजल्ट, है ना फ्रेंड्स। जो लोग पॉइंट से रह गए हैं, अगर उनके शिफ्ट में कुछ भी लग रहा है कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उनको अपनी सीबीटी सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये इस रिवाइज रिजल्ट में डेफिनेटली उनका नाम आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे ने जब पहले नोटिफिकेशन डाला तब उसने बोला था कि हम 15 गुना को बुलाएंगे, बट उसने 9 गुना समथिंग को बुलाया हुआ है। तो रेलवे ने नोटिफाई भी किया था कि ये चीज़ कम ज़्यादा वो कर सकता है। तो अगर आप पॉइंट से रह रहे हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक था, तो आपको सीबीटी सेकंड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम मिलेगा नहीं, है ना। 20 तारीख को अराउंड रिजल्ट आ जाएगा, देन 21 से आपका सीबीटी सेकंड है। तो अगर आपका पॉइंट से रह रहा है किसी भी जोन में है, बट आप देख लीजिए आपके पेपर में ट्रांसलेशन एरर वगैरह है कि नहीं, या जो आंसर की आई है फाइनली उसमें देख लीजिए अगर कुछ मिस्टेक है, तो आपको अपनी तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर एक नंबर भी बढ़ गया और आपका कट ऑफ क्लियर होगा, तो आपका नाम आ जाएगा। और सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर था, आप जानते हैं मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, तो अपने सीबीटी की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, और सीबीटी सेकंड के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। जय हिंद। सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।